उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सपना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, जिसके लिए देश का हर भारतीय अथक प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में देश के बड़े यूट्यूबर्स 11 दिसंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। यह कॉन्क्लेव उन लखनऊ वासियों के लिए एक ड्रीम कॉन्क्लेव होगा जो अपने भविष्य की स्थिरता के लिए प्रयासरत हैं। इस कॉन्क्लेव में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश की जाएगी, जिसके रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। 2000 से अधिक लोगों ने इस कॉन्क्लेव के लिए नामांकन किया है। लखनऊ ही नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा वित्तीय साक्षरता कॉन्क्लेव होगा। इवेंट आईजीपी में है, सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, जो शाम में 4:30-5 बजे तक चलेगा, जिसमें 2000 पब्लिक रहेगी और अराउंड 16 से 17 इंडिया के बेस्ट फाइनेंस क्रिएटर हैं जो सिखाने वाले हैं लोगों को, जिसमें सेकेंड अर्निंग, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, मोटिवेशन, हर एक चीज को हमने टारगेट करते हुए, क्योंकि फाइनेंस कहते ही अपने आप में समंदर हो जाता है और हर चीज उसके अंदर इंक्लूड आती है, तो उन सब चीजों को हमने लेने की कोशिश की है इसके। उसके बाद 9:45 को सबसे पहला सेशन पुष्कर राज सर का है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, जो 10:15 तक चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 10:15 को है वो अनंत सर का, ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं। 10:45 से 11:15 का मेरा है, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पे बात करूंगा, जिस समय हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद फिर प्रसाद सर का है जो आने वाले हैं, वो इन्वेस्टमेंट पे बात करने वाले हैं 11:30 से 12 के बीच में। उसके बाद एक फाइनेंस पे पैनल का सेक्शन है, जिसमें काफी सारे लोग रहेंगे, जीशान सर, कंचन मैम, अनुष्का मैम, कुंवर सर, सागर जी, विवेक सर, तो जिसमें एक फाइनेंस पे हर इंसान अपना अपना व्यूज शेयर करेगा। जैसे 10 लोग बात करते हैं तो सबका अपना अपना एक नजरिया होता है, तो उसको एक हम लोग रॉ फुटेज की तरह पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे उन्हें ये लग सके कि ये बात हम ही कर रहे हैं और हम ही हैं जो वहां पर स्टेज पे बैठे हैं, कोई दूसरा है ही नहीं, तुम्हें एक रियल फील। आप सभी को धन्यवाद कि आप सभी आए, मतलब हम लोग कुछ भी नहीं होते अगर आप लोग नहीं होते। एंड मुकुल सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑल। एंड मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, लखनऊ में मैं आया, मैंने इतने इससे ज़्यादा तहजीब वाला शहर नहीं देखा है। मैं जब ट्रेन से भी उतर रहा था तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे बोला गया कि पहले आप, वरना हम राजस्थान के हैं, हमारे पहले हम होते हैं, यहाँ पे पहले आप बोला तो मुझे तो मजा आ गया। आप सभी को हृदय से धन्यवाद, आभार। आपने एक बात कही थी कि डिग्री मैटर नहीं करती, आपका एक इंटरव्यू था कि डिग्री मैटर नहीं करती, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, तो वो कैसे आज के युग को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा का बुनियादी मकसद जब तक नौकरी का पाना होगा, समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं, ये हमेशा बोलते आया हूँ। और फाइनेंस इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हमें दिखाया गया है, फाइनेंस बहुत छोटी सी चीज़ है। अभी आज ही मैंने एक छोटा सा कॉन्टेंट डाला था इंस्टाग्राम पे कि व्यक्ति कमाता तो है पर लगाने में भी फाइनेंस की जरूरत होती है, और वो कंटेंट ये था, आप सभी को बताना चाहूंगा कि व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई एक रियल एस्टेट के प्लॉट वाले को 5 साल की कमाई एक दिन में जाकर के देकर आ जाता है। तो व्यक्ति को इतना भी नॉलेज होना चाहिए कि लगाना कहाँ है, कमाना तो चाहिए पर लगाना कहाँ है। तो हम ये भी सिखाना चाहते हैं इस देश और दुनिया को कि जो भी चीज आप कर रहे हो, पहले 6 महीने वेट एंड वॉच, उसको पहले सीखो, समझो और उसके बाद। तो क्या सोचा कि आके आना चाहिए, लोगों को प्रमोट करना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों का पूरी इसको लेकर सोच है? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। जिस तरीके से मैंने जब कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, तो उसके पीछे रीजन ये था कि जो नॉलेज मेरे पास है उसे मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज जब आप वीडियोज देखते हैं तो एक कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आता है कि आप ये कर सकते हैं, कुछ और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर आपको जैसे कहा जाता है कि दस्तावेज को अच्छे से पढ़ें, और जब इंग्लिश की बात आती है तो उन चीज़ों को समझना मुश्किल होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज इंटरनेशनल है, जिसकी ज़रूरत हर जगह है, उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, तो ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। कभी भी अगर आपको फाइनेंशियल कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर किसी भी तरीके के दस्तावेज हों, वहाँ पर ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके साथ कोई चीटिंग ना हो। कई बार होता है आपसे सिग्नेचर करा लिया जाता है और आप पढ़ते भी हैं बट आप समझ नहीं पाते कि उसमें चीजें क्या लिखी हुई हैं। तो
इसलिए ये सारी चीजें एक साथ हैं। आपके क्वेश्चन से पता लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट में और फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली हम डरते इसलिए क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट के साथ खराब रहे हैं। पास्ट खराब क्यों रहा है, क्योंकि आपको पता होगा 1991 में हर्षद मेहता का स्कैम आ गया था, फिर आईटी बबल बर्स्ट हो गया था, फिर 2008 का क्रैश आ गया था। तो हमारे साथ इतनी दुर्घटनाएं ऑलरेडी हो रखी है कि हमारे मन में वो डर बैठा हुआ है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा होता है, जैसे यहाँ पे एक सॉकेट है पीछे आपके, अगर आपका सॉकेट एक बार आप पे हाथ लगेगा तो आपको डर लगेगा, दूसरी बार लगेगा तो और डर लगेगा, तीसरी बार शायद आप जाओगे भी उसके पास कि आप बहुत डर लग रहा है। तो पेन हर बार बढ़ता जाता है, बट अगर मैं गेन की बात करूं, अगर मुझे कुछ मिलता है, कुछ प्राप्ति होती है, उससे हैप्पीनेस सेकंड बार में कम होगी। आपने सपोज आज एक ऑडी गाड़ी खरीद के आप आए, आपको बहुत खुशी हुई, सेकंड ऑडी में इतनी खुशी नहीं होगी। तो जो हमें खुशी होती है वो सेम अचीवमेंट से कम होती जाती है, पर जो गम होता है वो सेम पेन से बढ़ता जाता है। इसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट का पुराना पेन है, जिसकी वजह से हमारे पूर्वज भी कहते थे कि भाई स्टॉक मार्केट से दूर रहना, उस समय जेन्युइनली इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी ओपननेस नहीं थी, ये सब ऑनलाइन नहीं था। आज के दिन आप अपने मोबाइल पे बैठे हुए सब कुछ काम कर सकते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। उस समय मेरे दादाजी के समय, अभी भी मुझे पता है, शेयर ही घूम जाते थे। मैंने शेयर खरीदा और मेरे तक शेयर ही नहीं पहुंचे, बीच में कहीं घूम गए और मुझे कुछ पता ही नहीं। तो जो पेन था उसकी वजह से हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में डर लगता है, पर यही हम सभी का काम है। हम तो खैर बहुत छोटा रोल प्ले कर रहे हैं। आई थिंक जब आप जैसे लोग और सब लोग जुड़ेंगे तब फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, पर मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, हेल्थ इंपॉर्टेंट है पर हेल्थ के बिल्स पे करने के लिए वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो वही आप और हम करने की कोशिश करें। जो हर कोई कहता है, मैं भी कहता हूँ कि एट द एंड इंसान हो या फिर सेंसेक्स हो, जाना ऊपर ही है। और ये चीज हम लोगों ने देखी हुई है। एट द एंड आप लास्ट 30 साल का देखें, जितने भी कब साल थे वो, तो ये रिसेशन में ये सारी चीजें ये काफी पर्सपेक्टिव बेस्ड होती है। आपको लग रहा है रिसेशन, जैसे मैं बता दूं कि एक बहुत बड़े विश्व प्रसिद्ध एक ट्रेडर है माइकल बूरी करके, बिकॉज मैं अपने चैनल पे काफी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स शेयर मार्केट रिलेटेड और ये सारी चीजें भी कवर करता हूँ। तो माइकल बूरी साहब वो व्यक्ति थे जिनने 2008 के बारे में 2005 से बता दिया था कि ये चीज आएगी 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 आएगी, लेकिन आते आते 3 साल लग गए। तो अभी कहना बहुत जल्दी होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये फाइनेंशियल कॉन्क्लेव जो हम हमारे देश में कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जितने लोग यहाँ पर बैठे ये चीज में एग्री करेंगे कि हमारा देश काफी अच्छा प्लेस है एज कम्पेयर टू बाकी सारे नेशंस। और हमारे पास जो सबसे बड़ी नीड है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, हमारे यंग इनोवेटिव माइंड। याद रखिए, किसी भी देश में जो यंग आवाम होती है, जिसको हम कल एड्रेस करने वाले, वही लोग होते हैं जो इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, वही लोग होते हैं जो कंजम्पशन लाते हैं। देखिए, शेयर बाजार में शेयर क्यों चलता है, हमारे कंजम्पशन से। आज अगर कोई भी शेयर, टाटा का शेयर हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वो क्यों चल रहा है, क्योंकि लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सिंपल सा आप सोचिए, एक 70 साल का व्यक्ति शायद वो इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, उसको नहीं चाहिए मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, एक का दुख छोड़ने, वो यंगस्टर्स है 40 साल के अंदर वाले। मेरे हिसाब से ये रिसेशन और के जमाने से गोल्डन सिल्वर चला रहा था, वो ना बहुत गोल्ड ऐसा नहीं, उसका यूज भी होता, ऑर्नामेंट्स में होता, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता, इट्स अ वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ थिंग। मतलब बड़े बड़े एम्पायर्स आए और बड़े बड़े एम्पायर्स खत्म हो गए, लेकिन स्टिल गोल्ड आज भी वैल्यू अपनी बना के रखता है। इसलिए उसको बोलते हैं वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। पहली स्टॉक और उसको कंपेयर करना मेरे सबसे जरा भी सही नहीं है। पहली स्टॉक से मतलब अलग ही होता है। यहाँ पे सब जो है वो यूट्यूब से है, काफी एक्सपीरियंसड और काफी टाइम से भी वीडियोस बनाते हैं, बट हम जैसा जो मैं जैसा कंटेंट बनाती हूँ, दैट इज फॉर द न्यूअर जनरेशन, जो जेन जी आ रही है अभी, जो मतलब नो फर्स्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता अपने फाइनेंस के बारे में, और जो अभी यंग लोग हैं उनको लंबे लंबे 10 मिनट के वीडियो दिखाओ तो वो मतलब 5 सेकंड में उबासी खा के बंद कर देंगे। इसीलिए हमारा ये एक इनिशिएटिव रहा है कि हम थोड़ा एंटरटेनिंग वे में फाइनेंस के कॉन्सेप्ट समझाएं, कि उनको समझ आए कि उनका सैलरी स्लिप में क्या आ रहा है, उनको समझ आए कि उनका पीएफ कहाँ है, क्या हो रहा है, उसमें उनके ईपीएफ में पैसे कट क्यों रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, टैक्स सेविंग करे, वो सब उन्हें समझ आए, बट इन अ वे दैट इज मोर डाइजेस्टेबल फॉर देम, कि उनको एंटरटेनमेंट लगे एंड नॉलेज भी मिला एट द सेम टाइम। सो ये हमने रिसेंटली शॉर्ट फॉर्म वीडियो से चालू किया है, कुछ 1-2 साल जितना ही हुआ है हम ये सब। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ है, हम एक चैनल चलाते हैं जिसका नाम है लेबर लॉयड वाइज है। यहाँ पे फाइनेंस के बहुत दिग्गज बैठे हैं। मैं ऐसे पढ़ाई से इंजीनियर हूँ। हमारा मेन जो मकसद रहता है चैनल पे, हम फाइनेंशियल और लीगल अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं, कैसे स्टॉक्स चुनना है, कैसे म्यूचुअल फंड चुनना है, ये सब यहाँ पर दिग्गज बताते हैं। तो हम ये बताते हैं कैसे फाइनेंशियल स्कैम से बचना है, कैसे आप यूलिप से बच सकते हो, कैसे आपने बिजनेस
गलत तरीके से सेटअप कर लिया, कैसे जब आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं थी तब आपने ले लिया। तो एक मीडियम मतलब हम माध्यमिक कक्षा है और ये सब आगे हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करा रहे हैं। मेरी भी छोटी डॉटर है, हमेशा हम पेरेंट्स के लिए बच्चों को मोबाइल दे देना बहुत आसान होता है कि यार अब परेशान हो गए एक घंटे उसको टाइम दे दिया अब नहीं और नहीं टाइम दे रहे ले मोबाइल ले ले बैठ जा, बहुत आसान है। लेकिन दिस इज द इजी सॉल्यूशन, अगर आप बेसिकली आप किसी और से उम्मीद करें या किसी टीवी चैनल से उम्मीद करें कि वो इस तरह का कॉन्टेंट बनाए, आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे या बच्चे को एक घंटे मोबाइल देकर फ्री कर दिया कि अब तू देख ले जाके, तो वो मुझे लगता है सबसे पहली जिम्मेदारी एक अभिभावक की है कि अपने बच्चे को किस तरह से ढालते हैं। हमने भी यही कोशिश करी कि उसे कम से कम मोबाइल की तरफ जाएं, उसे जो भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करवा सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, टाइम बिता सकते हैं, उसको नई चीजें सिखा सकते हैं। तो पहली कोशिश एज अ अभिभावक हमारी ये रहती है कि हम उसे मोबाइल से जितना दूर रखें उतना बढ़िया है उसके। कुछ ऐड करना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि मेरी बच्ची वो वीडियोस देख रही है बच्चों वाले ही जो बड़े क्रिएट करते हैं बच्चों जैसा बनके, बट उसमें मोस्टली क्या होता है वो ऐसी चीजें दिखाते हैं जिसमें कि एक बच्चा फाइट कर रहा है फिर दूसरा उसको जैसे का तैसा जिसे हम कहते हैं टिट फॉर टैट वो करता है। तो व्हेनेवर आई सी दैट टाइप ऑफ वीडियोस तो मैं हमेशा एक काम करती हूँ, पहले उसे तुरंत नहीं रोकती हूँ लेकिन जैसे ही वो पूरे वीडियो को खत्म करती है मेरा एक सवाल होता है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस, और वो ब्लैंक हो जाती है बिकॉज वहां पे वो चीजें जो उसने सीखी वो किसी काम की नहीं थी। ये मैंने कई बार किया एंड तीन से चार बार करने के बाद हर बार मैं उसको ये चीज बताती थी कि आपका टाइम बहुत प्रेशियस होता है, आप उन्हीं चीजों को देखो जिससे आप वो सीख सको। कई सारे ऐसे कार्टून चैनल्स भी हैं जो हर बार कुछ ना कुछ सिखाते हैं। मैं यही कहती हूँ आप बच्चों को फोन से बिल्कुल ही अलग रख दें क्योंकि फिर आज के टाइम पे और बच्चे देख रहे हैं, बट हाँ टाइम लिमिटेशन होना चाहिए एंड मेक देम अंडरस्टैंड मेक देम रियलाइज कि जो भी आप देखें उसे कुछ सीखें। आप भी क्वेश्चन कीजिए अपने घर में अपने बच्चों से, जब वो जवाब नहीं दे पाई तो उसे इस बात ये बात उसे अच्छे से समझ में आए कि अगर मैंने कुछ सीखा नहीं तो ये मुझे नहीं देखना चाहिए। तो आई गेस थोड़ा थोड़ा हम करते हैं, एक छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो काफी चीजें सिखाते हैं आपके बच्चों को भी और आप भी बहुत कुछ सीखते हैं। और उसके अलावा YouTube Kids एक अलग ही ऐप आता है जो बच्चों के लिए है जिसमें कि आप कुछ भी अश्लील चीजें या वैसे बड़ों वाली चीजें नहीं देख सकते, छोटे बच्चों के लिए वो बेस्ट है। आप सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आप सब लोग सर बहुत कड़ी मेहनत लगती है ग्रीन को कंटेंट को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है सर, ये आप सब काफी मेहनत करते हैं बड़ी मेहनत करते हैं दुनिया को जागरूक करने के लिए, अपने टाइम को निकालते हैं दुनिया को बदलने के लिए। और ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं मेरे दिल से इन सब लोगों की तारीफ करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मिलकर के इस देश में बदलाव ला रहे हैं। चैनल देशपद्धन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।